ओके ठीक है। तो एक तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब तक हम लोगों ने कितना कर लिया? तो हम लोगों ने एक तो लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया। तो किसी को लीनियर मोमेंटम में कोई डाउट है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। फिर हमने लास्ट क्लास में एक ये फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कौन सा फोर्स होता है? एवरेज फोर्स होता है। एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डीपी अपॉन डीटी। फॉर्मूला क्या होता है? जी अरे जिसका भी आवाज चालू प्लीज बंद कर दो यार, ये सब नहीं। तो आपका ये होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डीपी बाई डीटी। एक होता है आपका एवरेज फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फिर हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने को लगता नहीं कि वो इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन है वो। तो वो टॉपिक था इम्पल्स। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक और टॉपिक कराया था, वो था इम्पल्स जिसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू टाइम। तो आई हो जाता है एफ इंटू टी, और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला क्या था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये हम लोगों ने कवर किया था। और मैंने तुम्हें लास्ट में एक चीज पढ़ाई थी कि इम्पल्स बेसिकली होता क्या है। अगर मान लो कि मैं तुम्हें कोई फोर्स और टाइम का कर्व दे दूं, मैं तुम्हें कोई एफ टी कर्व दे दूं, तो इसका अंदर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया क्या बताता है? ये वाला एरिया बताता है इम्पल्स। तो अगर तुम्हें इम्पल्स दे रखा है तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या पुट करने का? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अगर आपको मान लो पी इनिशियल दे रखा है, इम्पल्स दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो? फाइनल मोमेंटम दे सकते निकाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हें याद रखनी है। तो रिलेशन या फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर फोर्स लिखो अपनी कॉपी में, फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी अपॉन डीटी। तो यहां पे अगर पी की तुम वैल्यू पुट करो, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी एमवी। तो एम एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको आप डिफिनेशन से बाहर निकाल दो तो ये बचेगा डीवी बाय डीटी, और डीवी बाय डीटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका ठीक है रानू, मैं क्लास के एंड में समझा दूंगा। देखो रानू क्लास के एंड में आप रुक जाना, मैं समझा दूंगा। अगर क्लास खत्म भी हो जाए तो 2 मिनट वापस ज्वाइन कर जाना, ठीक है? तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। लिखो इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और अब तक तुम्हें हो सके तुम्हें आता हो नहीं आता हो, लेकिन लिख लो एक बार इस फॉर्मूले को। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको लिख लो फॉर्मूला फॉर फोर्स, एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी। तो पी की जगह पुट करो एमवी, एम को बाहर निकाल लो, डीवी बाई डीटी, डीवी बाई डीटी होता है एक्सीलरेशन। सो फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना कि ये जो फॉर्मूला है ना, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ये एफ होता है नेट फोर्स ऑन बॉडी। ये एफ क्या होता है? नेट फोर्स ऑन बॉडी, मतलब आपकी बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये एफ क्या होता है? नेट फोर्स ऑन बॉडी, है ना। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है? इस एक्सेलरेशन का मतलब है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, नेट एक्सेलरेशन ऑफ मास एम, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस की। अब मैं बात करूंगा डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। और सबसे पहला फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहला फोर्स है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर दुनिया में कोई भी मास है एम, तो याद रखना अगर अर्थ की बात करें तो उस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? एम जी। ये फोर्स हमेशा कहां लगेगा? ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कब लगेगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है। और ये फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? ये फोर्स हमेशा लगता है नीचे की तरफ। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? एम जी, एम इंटू जी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो दुनिया में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पक्का लगता है, और वो फोर्स लगता कहाँ है? नीचे की तरफ, टूवर्ड्स ग्राउंड। तो वो कितना हो जाएगा? एम जी। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? सबको पता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा हो
तो जी की वैल्यू 10 ले लेना, अगर दे रखा हो तो फिर 9.8 लेना। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूं कि ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट का मास आपको दे रखा है 100 kg, इस रॉकेट का मास कितना दे रखा है आपको, 100 kg दे रखा है, मतलब 100 किलो दे रखा है। फाइंड, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड थ्रस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब इस रॉकेट को कितना फोर्स चाहिए सो दैट इट कैन एक्सलरेट, सो दैट इट कैन एक्सलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इट कैन एक्सलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ 10 m/s2। और हो सके तो जी भी आप कितना लेना, 10 m/s2। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक रॉकेट है, पर आपको इस रॉकेट को लॉन्च करना है। लॉन्च करना है मतलब मुझे इस रॉकेट को कहां भेजना है, मुझे इस रॉकेट को भेजना है ऊपर की तरफ। तो बताओ फाइंड थ्रस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, अपने को इस रॉकेट पे फोर्स तो लगाना पड़ेगा तभी ये ऊपर जाएगा, तो कितना फोर्स लगाएंगे सो दैट इट कैन एक्सलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन विद 10 m/s2। मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं कि ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 10 m/s2 हो जाए। ट्राई करो सब इस क्वेश्चन को, फाइंड थ्रस्ट फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन विद 10 m/s2। कैसे करोगे, मैं इस पूरे क्वेश्चन को कराऊंगा लेकिन कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा? सब एक बार आंसर निकाल के चैट बॉक्स में टाइप करो, देखो क्या आंसर आता है। आपके पास एक रॉकेट है, पहले इस क्वेश्चन की भावना को समझो। आपके पास एक रॉकेट है जिसका मास है एम, आपको इस रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजना है, और इस रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 10 m/s2। रॉकेट का मास कितना दे रखा है, 100 kg, तो मुझे इस रॉकेट पे फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तो मुझे इस रॉकेट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ऊपर की तरफ 10 m/s2 से एक्सेलरेट हो जाए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, 1000 newton। कैसे करो, क्या आंसर आएगा? तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, मास कितना है 100, एक्सलरेशन कितना देना है मुझे 10, तो ये कितना आ गया, 1000 newton। लेकिन नेट फोर्स आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सब ध्यान से देखना। नहीं, मान लो आपने थ्रस्ट फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कितना आया थ्रस्ट फोर्स, लेकिन पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, किस फोर्स से खींच रही है, mg। तो इस रॉकेट पे नेट फोर्स होगा कितना, देखो रॉकेट ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। अगर मान लो कि तुम किसी बंदे को, एक बंदा उधर खींच रहा है एक बंदा इधर खींच रहा है, और फिर भी ये बंदा उधर जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स लिखेंगे अपन ft - mg इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो आपका थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, 1000 + mg, मतलब 1000 + 1000, तो थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, 2000 न्यूटन। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन ठोका और अपना काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो लिख लो इस कॉपी में, इसको अपनी कॉपी में, कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, इसमें एफ नेट का मतलब क्या होता है, एफ नेट का मतलब होता है मास, एफ नेट का मतलब होता है नेट फोर्स कितना है, नेट मतलब टोटल फोर्स कितना है। तो अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ है एक फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन अपने को पता है कि बॉडी ऊपर जा रही है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे वाला कम हुआ, तो नेट कितना आएगा, ft - mg, और नेट फोर्स होगा कितना, 1000। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ऊपर जो फोर्स लगता है उसे ft से डिनोट करते हैं। अरे ft मतलब थ्रस्ट फोर्स है, वो तो नाम मैंने नाम दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, सब अपनी कॉपी में लिखो, एक सेकंड ना, 1 सेकंड। वन सेकेंड ना, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर गया है, तो कोई नहीं, तुम इस रॉकेट को देखो 1 मिनट ना, जब तक ये गोला घूमेगा, 1 सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है 2 किलो, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन,
एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन। आपको बताना है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो तो सबसे पहले बॉडी पे नेट फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स होगा कितना, 10 न्यूटन उधर की तरफ तो कितना आ जाएगा 10 आई कैप, 20 न्यूटन ऊपर की तरफ तो कितना आ जाएगा प्लस 20 जे कैप, 30 न्यूटन पीछे की तरफ तो कितना आ जाएगा माइनस 30 आई कैप, 40 नीचे की तरफ तो कितना आ जाएगा माइनस 40 जे कैप। सॉल्व करो तो 10 आई कैप माइनस 30 आई कैप माइनस 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 20 जे कैप, और नेट फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू ए, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। तो ये तो आपके एक्सेलरेशन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और मैं पूछू कि बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना आया रूट 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन मान लो आपको एक 10 न्यूटन इधर की तरफ दे रखा होता, मान लो आपको 60 डिग्री दे रखा होता, तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पता है इसको रिजोल्व करना होता, 10 cos 60 इधर आता, 10 sin 60 ऊपर जाता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को करना है, ये नहीं करना है तुम्हें। तो क्वेश्चन है ये कि ये गाड़ी है और इस पे एक 10 न्यूटन आगे लग रहा है, एक 20 न्यूटन पीछे ऊपर की तरफ लग रहा है और एक 60 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, और इस गाड़ी का मास है 20 kg। तो आपको बताना है कि इस पे एक तो नेट फोर्स कितना होगा, आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। हाँ हिमांग, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स का मतलब होता है हिमांग टोटल फोर्स कितना लग रहा है। मुझे पता है तुम लोग अभी भी यही सोच रहे हो कि सर आपने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ डिस्कस क्यों नहीं किया, तो मैं कर रहा हूँ तुम्हें पता पड़ जाएगा मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। मैं कर पहले तुम्हें पूरा बेसिक बता दूं, फिर मैं खाली ये तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है ये तीनों। तो सब मुझे नेट फोर्स निकाल के बताओ कितना आ रहा है, इसमें टाइम ही लगना चाहिए, जल्दी, खाली प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 60 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप, ठीक है। तो नेट फोर्स को पुट कर देना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, डिवाइड कर दो तो 10 आई कैप माइनस 40 जे कैप नीचे क्या आ जाएगा 20, और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अब तक मैं तुम्हें एक फोर्स पढ़ा चुका हूं, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब दूसरे फोर्स की बारी है, लिखो अपनी कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट और ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कौन लगाता है, टेंशन फोर्स आपका वायर लगा सकता है, टेंशन फोर्स आपका कोई स्ट्रिंग लगा सकती है ना। तो जनरली वायर, स्ट्रिंग या फिर रोप, वैसे ये तो एक ही बात हो गई, तो ये लोग लगाते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता क्या है, जैसे मान लो कि ये तुम हो और मान लो ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है, और मान लो कि तुम वो रस्सी वाला गेम होता है ना कि आपके हाथ में एक रस्सी है और इसके हाथ में एक रस्सी है, और तुम मान लो ये ए है ये बी है, तो तुम इस रस्सी को इस तरफ खींच रहे हो, तुम इस ये बंदा उस तरफ खींच रहा है, तो अगर तुम इस रस्सी पे इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो तुम्हें ये लगेगा कि रस्सी तुम पे उधर की तरफ फोर्स लगा रही है ना। तुम जैसे मान लो, वैसे तुम्हारे साथ होना भगवान कभी, लेकिन मान लो ऊपर की तरफ कोई रस्सी लटकी है और तुम इस रस्सी से हैंग कर जाओ, तो तुम इस रस्सी को जब पकड़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि रस्सी तुम्हें ऊपर की तरफ खींच रही है ना। तो टेंशन फोर्स क्या होता है, टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग लगता है और हमेशा खींचता है, ऑलवेज हमेशा पुल करता है अपनी तरफ। कभी ऐसा नहीं होगी तुमने रस्सी पकड़ी, रस्सी तुम्हें धक्का मार रही है, कभी ऐसा हुआ है क्या, तुम रस्सी पकड़ खेल रहे हो और रस्सी तुम्हें धक्का मार रही है, रस्सी आपको हमेशा क्या करती है पुल करती है, ऑलवेज क्या करती है, हमेशा पुल करती है। तो टेंशन फोर्स क्या है, एक पुल फोर्स है। टेंशन फोर्स क्या है, पुल फोर्स, मतलब अपनी तरफ खींचता है ना। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, ये वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रस्सी लगी हुई है इस तरीके से, यहाँ पे इधर की तरफ भी एक रस्सी लगी हुई है ना, और ये मास और ये एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल क्या दे रखा है आपको 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी है और आपको बताना है कि इस रस्सी में टेंशन कितनी है।
देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब सब ध्यान से देखना। टेंशन का मतलब क्या होता है, रस्सी का फोर्स। टेंशन का मतलब क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं टी से। टेंशन का मतलब होता है कि आपकी रस्सी कितना फोर्स लगा रही है, रस्सी का फोर्स। और ये कहां कहां होता है, इसकी डायरेक्शन कहां पे होती है, टूवर्ड्स द रोप, टूवर्ड्स द रोप। तो अगर मैं इस मास का, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा एफ बी डी, इसका मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, एफ बी डी। तो एफ बी डी कैसे बनाते हैं, आप इस मास का डॉट बना लो। क्या करो, इस मास का डॉट बना लो। सपोज करो कि ये मास आप खुद हो, तो आपको जमीन अपनी तरफ खींचेगी, तो आप पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, आप पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी। ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, तो रस्सी में कितना टेंशन है, टी वन। उधर वाली रस्सी उधर खींचेगी, तो उधर की तरफ कितना टेंशन है, टी टू। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आता है, फ्री बॉडी डायग्राम में खाली वही फोर्स आते हैं जो बाहर से लग रहे हैं। तो बाहर से एक तो आप पे ग्रेविटी लग रहा है, एक ऊपर वाली रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है, साइड वाली रस्सी साइड की तरफ खींच रही है। तो ये इस मास का क्या आ गया, ये इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम में बाहर वाले फोर्स लगते हैं। मतलब जैसे इस मास पे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, एक ये रस्सी लगा रही है, एक ये रस्सी लगा रही है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, ये डायग्राम मत बनाओ, आप सब अपनी कॉपीमेज डायग्राम को बनाओ जो मैं बना रहा हूं। तो इधर एक रस्सी है, यहाँ पे एक मास है एम, और इधर भी दीवार है। तो यहां से एक रस्सी आ रही है इधर, इसमें टेंशन टी वन। ये जिसने भी एनोटेशन बनाया हटा दो यहां से, है ना, ये मूर्खता मत करो मेरे साथ, ये तुम लोग का पागल वागल हो गया। और इधर जो रस्सी है इसमें टेंशन है टी टू, और ये मास है एम। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला एंगल है थीटा वन और ये वाला एंगल है थीटा टू, है ना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आपको इस मास का एफबीडी बनाना है, क्या करना है, आपको इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं एफबीडी, सर डॉट बनाओ। सबसे पहला काम क्या होता है, डॉट बनाओ। मास है मतलब ग्रेविटी पक्का लगेगा, ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे एम जी। इधर वाली रस्सी में टेंशन है, तो रस्सी अपनी तरफ खींचती है, नहीं कि तुम्हारी इच्छा से डाल रहे हो, तो उधर वाला टेंशन तो उधर की तरफ होगा, कितना हो जाएगा टी वन, और ये वाली रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, क्या हो जाएगा टी टू। और फिर यहां पे एक लाइन बनाओ, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, थीटा वन, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, थीटा टू। तो तुम्हें समझ में आया, अब तक मैंने तुम्हें दो फोर्स पढ़ाए, कौन से, ग्रेविटी और टेंशन। किसी को कोई डाउट है कि इससे ये कैसे बनता है, कोई डाउट है अब तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो अगला वाला एफबीडी तुम्हें बनाना है, तो तुम्हें बनाना है और फिर तुम चेक करो कि तुम चैट बॉक्स में डाल नहीं सकते, तो तुम्हें बनाना है और तुम चेक करना मैंने जो बनाया और तुमने जो बनाया सेम है कि नहीं। तो एक रस्सी इधर की तरफ है, एक रस्सी इधर की तरफ है, एक रस्सी इधर की तरफ है, एक रस्सी नीचे की तरफ है, और इसका मास है एम, और ये सारे एंगल 90 डिग्री है। मान लो कि इसमें टेंशन टी वन, इसमें टेंशन टी टू, इसमें टेंशन टी थ्री, इसमें टेंशन टी फोर। सब अपनी कॉपी में इसका एफबीडी बनाओ, सब अपनी कॉपी में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जल्दी। बन गया सबका, रस्सी हमेशा खींचती है, रस्सी क्या करती है, हमेशा अपनी तरफ खींचती है। तो तुम इसका डॉट बनाओ, तो नीचे की तरफ एक तो क्या आ जाएगा एम जी, इधर वाली रस्सी उधर खींचेगी तो इधर की तरफ आ जाएगा टी फोर, ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी तो टी वन, उधर वाली रस्सी उधर खींचेगी टी टू, और नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी। रस्सी हमेशा क्या करती है, रस्सी हमेशा खींचती है, रस्सी क्या करती है, हमेशा पुल करती है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, ये क्या है आपका डायग्राम। किसी को इसमें कोई डाउट है, सबका बन गया, जिसका नहीं बना है प्लीज मुझे बता दो कि नहीं बन रहा है, सबका बन गया, आशीष परीर सबका बन गया, रानू मानत बना कि नहीं बना,
हाँ पूछो। तो अगर टेंशन फोर्स नीचे है तो वो एमजी के साथ प्लस हो जाएगा ना? मतलब ऐसे मत सोच, रस्सी नीचे की तरफ है, तो अगर मान ले कि ये तुम हो तो नीचे वाली रस्सी तुम्हें नीचे खींचेगी, इधर वाली रस्सी इधर खींचेगी, इधर वाली इधर, ऊपर। तो रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है, तो रस्सी नीचे है तो वो नीचे खींचेगी, अगर मान ले रस्सी ऐसे बंधी होती तो वो रस्सी उधर की तरफ खींचती। आपको जो रोप है वो हमेशा पुल करती है अपनी तरफ, है ना? तो ये है तुम्हारा दो फोर्स, तो एक तो हो गया अपना ग्रेविटी, दूसरा हो गया अपना टेंशन फोर्स। अब तीसरा बात करते हैं हम नॉर्मल फोर्स, तीसरा बात करते हैं हम नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है क्या? ये एक पुश फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? पुश फोर्स। टेंशन फोर्स कौन सा होता है? पुल फोर्स होता है। नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है? पुश फोर्स। ये कब लगता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ये कब लगता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, लिख लो अपनी कॉपी में, कब लगता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तो वो कहां लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में होते तो वहां लगता है। और जैसे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? रस्सी अपनी तरफ खींचती है, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस। कैसे लगता है? मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम को। परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस। तो कोई तुम्हें पूछे कि राइट एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल फोर्स, तो ये पुश फोर्स है। कब लगता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और ये कैसे लगता है? दिस फोर्स अप्लाइज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये फोर्स लगता कैसे? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लगता है। तो पुश फोर्स है, जैसे रस्सी क्या करती है? रस्सी खींचती है, पर नॉर्मल क्या करता है? धक्का मारता है। कब लगता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हो। और कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस लगता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, क्योंकि ये तीनों तीनों लाइन जो है ये तुम्हारे एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएंगे सब ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं। तो मान लो कि ये एक टेबल है, ठीक है, ये अपना कोई टेबल है, और मान लो कि इस टेबल के ऊपर आपका एक मास पड़ा हुआ है एम। ठीक है, तो मैं बोलूं कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो पहले डॉट बनाओ। एक फोर्स तो पक्का नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। टेंशन तो यहां पे लगने वाली है नहीं, टेंशन तो लगेगी रस्सी है ही नहीं, लेकिन ये मास किसके कांटेक्ट में? टेबल के कांटेक्ट में। तो टेबल क्या करेगा? इसको पुश करेगा। पुश करेगा मतलब टेबल का धक्का मारेगा ऊपर की तरफ। तो इस पे नॉर्मल फोर्स कहां पे आ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या आ गया? नॉर्मल फोर्स। आया तुम्हें समझ में? तो अगर इस टेबल के ऊपर मास पड़ा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स कौन सा होता है? पुश फोर्स, धक्का मारता है। तो ये टेबल क्या करेगा? इस मास को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। अगर यही मान लो कोई मास यहां पड़ा होता, मान लो कोई मास यहां पे होता, ठीक है, मैं बोलता हूं कि इसकी एफबीडी बनाओ, तो आप डॉट बनाओ। ग्रेविटी तो कहां लगेगा? नीचे की तरफ। लेकिन अब ये टेबल उधर की तरफ धक्का मारेगा, तो अब नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? उधर की तरफ लगेगा। अगर यही मान लो ये मास नीचे की तरफ होता यहां पे, ठीक है, अब मैं बोलता कि इसकी एफबीडी बनाओ, तो एम जी कहां लगता? नीचे की तरफ। अब ये टेबल कहां करता? नीचे की तरफ धक्का मारता, तो नॉर्मल फोर्स भी कहां लगता? नीचे की तरफ। पुश करता है मतलब ये सरफेस के ऊपर कुछ भी होगा तो यहां पे भी पुश करेगा, यहां पुश करेगा, यहां पुश करेगा, नीचे होगा तो नीचे पुश करेगा। तो तुम्हें समझ में आया नॉर्मल फोर्स क्या होता है? एक पुश फोर्स होता है। क्या होता है? पुश फोर्स। हाँ पूछो। सर मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज से एमजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो तो नहीं हमेशा नहीं नहीं डाउन में एमजी लगेगा। तो हमेशा नीचे लगेगा। एमजी हमेशा कहां लगेगा? नीचे ही लगेगा। ठीक है, अब इसको समझना। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम करना। मान लो कि ये कोई मास है M1, ये बीच में कोई मास है M2, और ये नीचे एक और मास है M3। तीन मास है, M1, M2 और M3, तीनों एक दूसरे पे पड़े हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो ये बीच वाला मास है इसका एफबीटी बनाओ, तो आप डॉट बनाओ। ठीक है, इसका मास कितना है? M2, मतलब ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी तो हमेशा ही कहां लगता है? नीचे की तरफ। अब यहां पे टेंशन तो लग नहीं रहा क्योंकि रस्सी है ही नहीं, लेकिन M2 ध्यान से देखो M1 के कांटेक्ट में, तो M1 वाला पुश करेगा, तो M1 वाला नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। तो मान लो वो नॉर्मल फोर्स है नीचे की तरफ N1,
और एम थ्री नीचे है, ये कहाँ पुश करेगा? ऊपर की तरफ। तो एम थ्री वाला नॉर्मल फोर्स कहाँ जाएगा? मान लो ये नॉर्मल फोर्स है एम थ्री। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। किसी को कोई डाउट है अब तक? टेंशन फोर्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, ग्रेविटी में कोई डाउट है तो पूछ लो, और नॉर्मल फोर्स में कोई डाउट है तो पूछ लो। आशीष समझ में आया? भाई नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऋषिता तुम्हें क्लियर हुआ कैसे बनाते कि नहीं समझ में आया? सालो कुछ तो बोलो। तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं पड़ेगा। परीर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है। हाँ पूछो सर। M1 भी M2 जी के साथ ही लगेगा ना? M1 जब तू M2 का FBT बना रहा है भूल जा कि M1 है M3, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तू M2 का डायग्राम बना रहा है खाली M2 का मास देख और खाली M2 पे जो फोर्स लग रहा है वो देख। ऊपर M1 है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ये देख ले कि ऊपर है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो अब ये वाला डायग्राम देखो सब। तो मान लो कि ये एक मास पड़ा हुआ है यहाँ पे M1, और इस M1 के सब ध्यान से देखना और सब अपनी कॉपी में बनाना, क्योंकि मैंने देखा है FBT बनाना आती नहीं और लोग न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन करते रहते हैं। इधर M2 पड़ा हुआ है और नीचे M3 पड़ा हुआ है, ठीक है? आप सब मुझे M1 का FBT बना के बताओ, सब अपनी कॉपी में M1 का FBT बनाओ। बनाओ M1 का FBT सब। कैसा बनेगा? रस्सी तो है ही नहीं तो टेंशन तो लगने वाला है ही नहीं। टेंशन तो नहीं लगेगा लेकिन ग्रेविटी भी लगेगा और नॉर्मल भी लगेगा। तो मुझे देखना है कि तुम लोग नॉर्मल कैसे लगाते हो। कैसे आएगा? डॉट बनाओ M1 पे तो नीचे की तरफ कितना आ जाएगा? M1G, ठीक है? अब M2 M1 को पुश करेगा, तो मान लो M2 जो नॉर्मल लगा रहा है वो N2 ले लो, और M3 भी क्या करेगा? M1 को पुश करेगा, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? N1 आ जाएगा। आया समझ में तुम्हें FBT कैसे बनता है कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। तो जैसे मान लो, अगर मान लो कोई मास यहां पड़ा हुआ है तो M3 उस पर नॉर्मल कहां लगाएगा? उधर की तरफ। मान लो कोई मास नीचे पड़ा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स कहां लगाएगा? नीचे की तरफ। मान लो कोई मास यहां पड़ा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स कहां लगाएगा? पीछे की तरफ, है ना? तो इस तरीके से लगता है नॉर्मल फोर्स, पुश फोर्स है। अच्छा N3 आएगा, ठीक है मैं ये N3 ले लो, और ठीक है मैं इसका नॉर्मल फोर्स N1 ले लिया, ठीक है? अरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कन्वेंशन है। अच्छा अब अगला डायग्राम बनाओ तुम लोग। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, तो मैसेज कर दियो, है ना? तो ये वाला डायग्राम बनाओ। मान लो कि यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है एम, ठीक है? इधर एक दीवार है, दीवार भी नॉर्मल लगाएगी, वाह। नीचे भी एक दीवार है और इधर एक रस्सी है और यहाँ पे ऊपर भी एक रस्सी है और ये मास है एम। अब आपको इसका FBT बनाना है। मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस रस्सी में टेंशन T2 है। मान लो ये दीवार नॉर्मल N2 लगा रही है, नीचे वाली दीवार N1 लगा रही है। तो आपको बताना है कि इस मास पे कौन से फोर्स लगेंगे और कैसे लगेंगे। ये इसका डॉट है। बनाओ सब अपनी कॉपी में। नॉर्मल पुश फोर्स है, टेंशन पुल फोर्स है। कैसे बनाओगे? देखो नीचे की तरफ तो क्या आ जाएगा? Mg, और ये वाला नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा तो नॉर्मल N1 ऊपर आ जाएगा और वो दीवार उसको उधर धक्का मारेगी तो ये N2 इधर आ जाएगा। रस्सी खींचती है तो ये रस्सी अपनी तरफ खींचेगी तो इस रस्सी का टेंशन इधर आ जाएगा। ऊपर वाली रस्सी ऊपर की तरफ खींचेगी तो वो टेंशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। तुम्हें समझ में आया FBT कैसे बना कि नहीं समझ में आया? अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।
किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो कि एफबीडी कैसे बनाते हैं, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीन मैंने तुम्हें बताया। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो शीट भेजूंगा वो एफबीडी पे ही होगी, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो कि ये एक दीवार है और ये एक दीवार है और यहां पे एक मास पड़ा हुआ है एम और नीचे जमीन है, नीचे क्या है जमीन है और इसमें टेंशन टी वन है, इसमें टेंशन टी टू है और मान लो जमीन जो नॉर्मल फोर्स लगा रही है वो है एन, पर आपको दे रखा है कि मैं खुद भी इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ एफ, मैं खुद भी इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ एफ, तो आपको इसका एफबीडी बनाना है। और मान लो कि आपको ये वाला एंगल थीटा वन दे रखा है और आपको ये वाला एंगल थीटा टू दे रखा है, करो इसको अपनी कॉपी में, क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर, देखो मास है तो mg पक्का लगेगा, ये फोर्स तो पक्का आएगा क्योंकि बाहर से लग रहा है, FBT में वो सारे फोर्स आते हैं जो बाहर से लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। टी टू आपका कहाँ लगेगा, उधर की तरफ, और आपको ये एंगल कितना दे रखा है थीटा टू, और टी वन कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, और आपको ये एंगल क्या दे रखा है थीटा वन। बन गया कि कुछ मिस कर रहा हूं मैं, बन गया कि कुछ मिस कर रहा हूं मैं। ये मास जमीन पे पड़ा है तो जमीन भी ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। इसमें आगे जाके हम स्प्रिंग भी पढ़ेंगे, इसमें आगे जाके हम फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे, तो इसमें दो फोर्स और जुड़ते हैं, स्प्रिंग और फ्रिक्शन, लेकिन उससे पहले फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो और कोई डाउट है तो पूछ लो वरना मैं तुम्हें करीबन 10-12 क्वेश्चन एफबीडी के भेजूंगा, तो कुछ पे काफी ट्रिकी भी होंगे, तो वो तुम्हें मुझे लिख के और फोटो खींच के भेजना है, ठीक है। चलो ओके यार, और कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। अरे हाँ, ले रानू तेरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी तुम लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रानू, मान ले मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया यू से और मान ले ये थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तेरी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब मान ले कि ये जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के बाद इसका मोशन इसके इनिशियल मोशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान ले किसी पॉइंट पे इसका मोशन ऐसे है और मान ले कि ये वाला वेक्टर ऐसे था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। मान ले यहां पे इसकी वेलोसिटी वी है, तो v को अपन क्या लिखेंगे, v हो जाएगा तेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो तेरा vx क्या था, यानी vx तो अपना u cos थीटा ही रहता है, चेंज होता ही नहीं है, और vy क्या हो जाता है, vy हो जाता है अपना u sin थीटा माइनस gt। रानू इन दोनों में तो डाउट नहीं, मैंने कैसे लिखा ये vx और vy? नहीं सर, ये ठीक है। तो अब ध्यान से देख, इस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब तेरा u dot v क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर u dot v जीरो हो जाएगा मतलब u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और ब्रैकेट में आ जाएगा तेरा u cos थीटा i कैप मतलब v की जगह, और प्लस आ जाएगा u sin थीटा माइनस gt j कैप और इक्वल टू जीरो। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, देख कितना आएगा, u cos थीटा इनटू u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस आ जाएगा तेरा u sin थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा तेरा u sin थीटा माइनस gt इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, ये आ गया तेरा टाइम। अरे डॉट प्रोडक्ट तो सबसे आसान है, और कैसे करोगे, डॉट प्रोडक्ट तो सबसे आसान है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तेको पूछा ही इसलिए गया था कि ताकि तेको ये कंसेप्ट लगाना आ जाए। और कैसे करेगी तू बता, और तो फिर कैसे करोगे, फिर तो यार अपन हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स लगाए तो बात अलग है कि ये वाला एंगल 90 है तो फिर इसको जोड़, फिर ये वाला फाई निकाल, ऐसे तो भाई बहुत लंबा पड़ेगा। यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाना है, देखो ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये तो सबसे आसान कंसेप्ट है कि जब भी फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन तो आ गया, पर क्वेश्चन
क्वेश्चन में एकदम कैसे ध्यान आएगा कि डॉट प्रोडक्ट तो इसीलिए इसीलिए तो अपन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, दो क्वेश्चन करके थोड़ी कोई टॉपिक अपने को आता है, कोई टॉपिक करने के लिए 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी बुक्स पढ़ा करो, जैसे ना मैं भी सजेस्ट करूंगा एचसी वर्मा उठाया करो, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है ये, सीधा वहीं से उठाया है क्वेश्चन। ठीक है चलो ओके यार बाय बाय। पूछो सर ये आज जो टोकर है उसका पीडीएफ भेज दोगे प्लीज? हाँ ये तो मैं भेजूंगा ही भाई, ये तो मैं डेफिनेटली भेजने ही वाला हूँ, पर शाम तक भेजूंगा मैं इसकी शीट भी। ओके ठीक है ओके।